मईशत में बेहतरी के समरा सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स तक इजाफा हुआ, 55000 की सतह अबूर। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 55000 की सतह को अबूर किया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा, 288 रुपये में फरोख। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म OIC के इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। किस कानून के तहत अपील खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है? अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर ना हुई? वजाहत करना चाहता हूं, मैं बेंच तब्दील करने के हक में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह को इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में ये मुकदमा सुन चुके हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। बारिश और बर्फबारी, मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। स्मोग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दारान कागान और लीपा पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम मलका कोसार मरी में बर्फबारी। नज़ारे हसीन। प्रवीण PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकलाए सफाई पेश ना हुए। सगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसना जुलकरनैन ने समाअत की। इंतखाबात में जोर जबरदस्ती से तबाही होगी। वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके पास है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। मियां साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी इतिहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। दुआ है जमहूरी तरीके से वक्त पर इंतखाबात हो जाएं। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए जोड़ तोड़। MKM राबता कमेटी का इजलास आज तलब। 3 रुकनी कमेटी फाइनल की जाएगी। नून लीग से इतिहाद की सिफारिशात मुरतब होंगी। दोनों जमातें कमेटी रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा का लाइहे अमल तय करेंगी। राबता कमेटी के इजलास में अवामी राबता मुहिम पर भी बात होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में नून लीग का इजलास कैसे हो गया? MKM और नून लीग का इतिहाद मुफादात का शाखसाना है। नून लीग से कराची की नहीं अपनी बात की गई। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके हासिल नहीं। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम 15 नवम्बर से अवामी राबता मुहिम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम। वैश्याना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील। सियोनी फोर्सेज गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे। इसराइली फौज की दिरुल बलाख और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारूद की बरसात। ताज़ा हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। सियोनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से ज्यादा खवातीन शामिल। 32,000 से ज्यादा जख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। हमास इसराइल जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तफाक। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीका के गजा में 3 दिन सीज फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। ये दरुस्त समत की जानिब अहम इकदाम है। व्हाइट हाउस का बयान। क्रिकेट वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने। प्रोटीज पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।